दोस्तों आज के इस वीडियो में सितंबर महीने की हाई अप्रूवल क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि भाई साहब अगर आप भी सितंबर महीने में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की प्लान बना चुके हैं तो भाई साहब ऐसे में हम पांच ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो क्रेडिट कार्ड सितंबर महीने में अप्रूवल आपको प्रोवाइड करेगा ही करेगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अगले महीने सेल ही सेल आने वाला है, जैसे दशहरा सेल, दिवाली सेल, बिग बिलियन सेल। यानी कि भाई साहब एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे फेस्टिवल सीजन आने वाला है और भाई साहब आप सभी लोग जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन में जो है बैंक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल प्रोवाइड करता है और भाई साहब बैंक को भी पूरे साल में इसी टाइम का इंतजार रहता है कि फेस्टिवल सीजन आए और आप फेस्टिवल सीजन में किसी भी बैंक की क्रेडिट कार्ड को यूज करें। इससे जो है बैंक को बहुत ही तगड़ी मात्रा में बेनिफिट होता है और भाई साहब मार्केट के अंदर जितनी भी कस्टमर है उनको ये फायदा हो जाता है कि पूरे साल में अगर वे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं वहां पे उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो वे जो है फेस्टिवल सीजन में अगर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे तो वहां पे उनके क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल रेट जो है बढ़ जाता है। और हाँ भाई साहब इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने पांच क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया है तो आपको पांचों क्रेडिट कार्ड को अप्लाई नहीं करना है, आपको किसी तीन ही क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है। जो क्रेडिट कार्ड आप रिसेंट में अप्लाई किए हैं उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो भाई साहब ये भी हो सकता है कि बैंक वाले आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को फिर से रिजेक्ट कर देंगे। अब देखो भाई साहब मैं अपने लिस्ट की नंबर 1 टॉप क्रेडिट कार्ड की बारे में बात करूं जो क्रेडिट कार्ड सितंबर महीने में सबसे ज्यादा अप्रूव रहे हैं तो ये आता है HDFC बैंक की क्रेडिट कार्ड। देखो यार मैं जो भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रूफ के तौर पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी HDFC बैंक की क्रेडिट कार्ड पॉलिसी था और भाई साहब मैंने अपने दो दो फैमिली मेंबर का यहाँ पे HDFC बैंक की क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था और भाई साहब ये क्रेडिट कार्ड मेरे एड्रेस पे कल ही डिलीवर हुआ है। तो भाई साहब अभी यानी सितंबर मंथ में HDFC बैंक की क्रेडिट कार्ड जो है सबसे तगड़ी मात्रा में अप्रूवल दे रहा है। देखो भाई साहब अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो ना ही यहाँ पे आपको वीडियो KYC करना है, ना ही भाई साहब आपके साथ किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे इंस्टेंट जनरेट होकर के आपका क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पे बाई पोस्ट के माध्यम से कंप्लीट डिलीवर हो जाता है। और हाँ देखो भाई साहब अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में नहीं है तो उस केस में आपसे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती है और भाई साहब आपको वीडियो KYC कंप्लीट करना होता है, उसके बाद एक क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो भी बताया हूं मैं HDFC बैंक की 10 क्रेडिट कार्ड की एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया हूं। और हाँ एक चीज और बता दूं कि HDFC बैंक जो है टाटा न्यू के साथ टाई अप करके आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है। यहां पे टाटा न्यू में दो क्रेडिट कार्ड आपको कंप्लीट देखने को मिलेंगे, एक टाटा न्यू और एक टाटा न्यू इंफिनिटी। ये दोनों क्रेडिट कार्ड को पहले आपको चार्जेस देना पड़ता था लेकिन भाई साहब अभी के टाइम में ये दोनों क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है और भाई साहब ये क्रेडिट कार्ड आपको रुपये वेरिएंट में इशू किया जाता है जिसे डायरेक्टली UPI से लिंक करके आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। एक क्रेडिट कार्ड की भी इस फेस्टिवल सीजन में अप्रूवल रेट जो है बहुत ही हाई है। तो भाई साहब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस क्रेडिट कार्ड की भी अप्लाई लिंक कंप्लीट दे रखा है, आप वहां से जाकर के क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ भाई साहब इस वीडियो के अंदर मैं जितनी सारी क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूं वे सारी क्रेडिट कार्ड की अप्लाई लिंक इसी वीडियो के अंदर मिलेगा, आप वहां से जाकर के कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यार मैं अपने लिस्ट की अगर दूसरी क्रेडिट कार्ड की बारे में बात करूं तो ये आता है एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड। देखो भाई एक्सिस बैंक में दो क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल रेट जो है बहुत ही हाई है, पहला फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड। हालांकि दोस्तों इसका अप्रूवल रेट भी हाई क्यों ना रहे आप सभी लोगों को पता है कि अगले महीने ही बिग बिलियन सेल आने वाला है और भाई साहब जब भी बिग बिलियन सेल आता है तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल रेट जो है हाई हो जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको बेनिफिट भी भर भर के मिलता है, जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की भी फैसिलिटी मिल जाती है और भाई साहब अगर आप जो है फ्लिपकार्ट से इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके किसी भी प्रकार की स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको 5% की अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है और भाई साहब इनके प्रेफर्ड मर्चेंट के ऊपर आपको 4% की कैशबैक मिल जाता है। और अगर आप जो है अदर किसी भी प्रकार की स्पेंड करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से, चाहे आप ऑनलाइन स्पेंड करें या फिर ऑफलाइन स्पेंड करें, तो यहाँ पे आपको 1% की कैशबैक देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के साथ नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इस क्रेडिट कार्ड की आपको चार्जेस भी करना है। यहाँ पे इनकी एनुअल फी आपको 4.99 रुपया प्लस GFT और ज्वाइनिंग फी भी आपको 4.99 रुपया प्लस GFT आपको पे करना होता है। लेकिन भाई साहब आपको क्रेडिट कार्ड जैसे ही मिलता है और आप इस क्रेडिट कार्ड को जैसे ही एक्टिवेट करेंगे आपको फ्लिपकार्ट के वॉलेट के अंदर 500 रुपये का यहाँ पे कंप्लीट गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। तो भाई साहब तो आप एक हाथ से ज्वाइनिंग फी यहाँ पे जैसे ही देते हैं दूसरे हाथ से आपका ज्वाइनिंग फी यहाँ पे कंप्लीट रिटर्न हो जाता है। अगर आप चाहते हैं एक्सिस बैंक की लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेने के लिए तो आप जो है एक्सिस बैंक की नियो क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। देखो यार एक्सिस बैंक की नियो क्रेडिट कार्ड बहुत ही लो वेरियंट की क्रेडिट कार्ड है तो ये क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल भी आपको चुटकियों में मिल जाएंगे। अब चलिए दोस्तों मैं अपनी लिस्ट की अगर तीसरा क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करूं
तब ये आता है SBI बैंक की क्रेडिट कार्ड। देखो यार, अभी एक्सिस बैंक में दो क्रेडिट कार्ड बहुत ही तगड़ी मात्रा में अप्रूवल दे रहा है, एक SBI बैंक की कैशबैक क्रेडिट कार्ड और दूसरा SBI बैंक की सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास SBI बैंक की पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे आप जो है SBI बैंक की दूसरी क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो, और भाई साहब SBI बैंक की एट ए टाइम आप जो है तीन क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। मान के चलते हैं कि अगर आपके पास SBI बैंक की कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, फिर भी गई आप SBI बैंक की कैशबैक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे इसका भी अप्रूवल रेट जो है बहुत ही हाई है, आपको क्रेडिट कार्ड मिलने की चांसेस जो है बढ़ जाता है। हालांकि दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल भी क्यों ना हाई हो, आज के टाइम में मार्केट के अंदर जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर आप जो है इस कार्ड के माध्यम से किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर स्पेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे 5% की कैशबैक देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड है तो आप जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर ही स्पेंड करके कैशबैक या फिर डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आपके पास अमेजन पे ICICI की क्रेडिट कार्ड है तो आप जो है अमेजन के ऊपर ही स्पेंड करके आप जो है डिस्काउंट या फिर कैशबैक ले सकते हैं। अगर मिंत्रा की कार्ड है तो आप जो है मिंत्रा के ऊपर डिस्काउंट या फिर कैशबैक ले सकते हैं। लेकिन भाई साहब, अगर आपके पास SBI की कैशबैक क्रेडिट कार्ड है तो मार्केट के अंदर जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है आप जो है उनके ऊपर इस कार्ड के माध्यम से स्पेंड करेंगे तो आपको 5% की अनलिमिटेड जो है कैशबैक देखने को मिल जाता है, जिसको आज के टाइम में पूरे मार्केट के अंदर लोग जो है मास्टर कार्ड बोलते हैं। तो भाई साहब, इसी को लेकर के क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल रेट जो है अभी के टाइम में हाई है, तो भाई साहब आप इस भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखो भाई साहब, मैं अपनी लिस्ट की अगर अगली क्रेडिट कार्ड की बारे में बात करूं तो वे आता है IDFC फर्स्ट बैंक की क्रेडिट कार्ड। अभी आप IDFC फर्स्ट बैंक की क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने जाओगे तो वहां पे अगर आप जो है कार्ड के लिए इलिजिबल होंगे तो IDFC आपको एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगा। अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड के लिए इलिजिबल नहीं हो तो वहां पे आपको IDFC जो है वाउ क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट ऑफर प्रोवाइड करेगा। हालांकि दोस्तों, ये वाउ क्रेडिट कार्ड तो आपको FD करके लेना होता है, अभी जो है 10,000 रुपए का आप FD करेंगे तो आपके वाउ क्रेडिट कार्ड कंप्लीट मिल जाता है। देखो भाई साहब, IDFC की 5 लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जो है बिल्कुल मार्केट के अंदर तहलका मचा के रखा है। IDFC की मिलेनिया, फ्लेक्ट, वेल्थ, क्लासिक और वाउ क्रेडिट कार्ड, ये पांचों क्रेडिट कार्ड ओनली वन आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई साहब, ये जो है टोटली आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिविल कैसा है और यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक आपको कौन सी क्रेडिट कार्ड की ऑफर प्रोवाइड करेगा। तो भाई साहब, IDFC की क्रेडिट कार्ड की भी अप्लाई लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी लिस्ट की पांचवा क्रेडिट कार्ड की बारे में बात करूं तो वे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड। देखो भाई साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा में दो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बहुत ही तगड़ी मात्रा में अप्रूवल प्रोवाइड कर रहा है। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की इजी क्रेडिट कार्ड और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, मुझे दोनों क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है। जिस क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पे मैं जो है 50,000 रुपया बताया जा रहा है, भाई साहब 50,000 लिमिट के साथ मुझे दोनों क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल मिला है। मेरी मर्जी है, हम इनमें से किसी भी क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। तो भाई साहब, ये दोनों क्रेडिट कार्ड में से किसी भी कार्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो भाई साहब लास्ट फेज में यहाँ पे आपसे आपकी इनकम प्रूफ की डिमांड भी किया जा सकता है। तो ऐसे में आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं या फिर ITR आप दे सकते हैं। तो भाई साहब, सैलरी स्लिप तो यहाँ पे इंस्टेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन भाई साहब अगर आप चाहें तो ITR हमसे फाइल करा के यहाँ पे इंस्टेंट आपको ITR फाइल होकर के मिल जाएगा और आप जो है यहाँ पे सबमिट करके आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। तो भाई साहब, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट करके ITR फाइल करा सकते हैं। हमसे कॉन्टेक्ट करके ITR फाइल कराएंगे तो आपको ये फायदा होगा कि 10 मिनट के अंदर में आपको ITR फाइल होकर के आपको मिलेगा और भाई साहब यहाँ पे आप अपनी ITR सबमिट करेंगे और यहाँ से आप जो है क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो भाई साहब, यही 5 क्रेडिट कार्ड है जो सितंबर महीने में सबसे ज्यादा अप्रूवल दे रहा है। हालांकि दोस्तों, आपको इन 5 क्रेडिट कार्ड को अप्लाई नहीं करना है, इनमें से मात्र किसी 3 ही क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है। जो क्रेडिट कार्ड आप रिसेंट में अप्लाई नहीं किए होंगे उसी क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट अप्लाई करेंगे। तो भाई साहब, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है, आप लिंक के ऊपर क्लिक करके कार्ड को अप्लाई कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी बैंक की क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल मिला है।